संसाधनों की मोहताज नहीं होती है, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बेगूसराय की तीन बहनों ने, जिन्होंने एक साथ दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा में कामयाबी पाई है। किसान परिवार से आने वाली ये तीनों बहनें पुलिस सेवा में हैं। बताते चले कि बकरी अनुमंडल के सलौना गांव की रहने वाली तीन सगी बहनों ने एक साथ दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा पास कर न सिर्फ अपने घर और बल्कि बकरी का नाम भी इलाके में रोशन किया है। गांव के निम्नवर्गीय किसान के घर जन्मी और ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी तीनों बहनें आगे चलकर DSP बनना चाहती हैं। तीनों ने गांव के ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर ये कामयाबी पाई है। परिवार के साथ साथ गांव का नाम रोशन करने वाली ये तीनों बहनें किसान फुलेना दास की पुत्रियाँ हैं। गृहिणी माँ और किसान फुलेना दास की 5 संतानें हैं, जिनमें 4 पुत्रियाँ और 1 पुत्र हैं। इन 4 पुत्रियों में सबसे बड़ी पुत्री ज्योति कुमारी है, वहीं दूसरे नंबर पर सोनी कुमारी और तीसरे नंबर पर मुन्नी कुमारी ने दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा पास की है। तीनों की प्रारंभिक शिक्षा मध्य विद्यालय सलौना में हुई है। ज्योति व उनकी दोनों बहनें फिलहाल बिहार पुलिस सेवा में कार्यरत हैं। ज्योति मोतिहारी में और मुन्नी जयनगर में पोस्टेड हैं, वहीं एक बहन पुलिस सेवा में ही सार्जेंट मेजर के पद पर कार्यरत बताई जाती हैं। फिलहाल एक साथ तीनों बहनों की इस कामयाबी से घर के लोग फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं लगातार उन तीनों ही बहनों को बधाइयों का सिलसिला जारी है। हम लोग मध्यम परिवार से गुजरते थे और हमारे बड़े भाई साधारण से किसान थे, हम तीनों भाई साथ ही रहते थे और सभी लोग कहते थे, हमारे टोले मोहल्ले में भी कहते थे मेरे भैया की 4 गो बेटी है, जमीन बेच के शादी करोगे। हमने इनको शिक्षा दी, तुम एजुकेशन को ही अपना मुकद्दर समझ लो और रात दिन मेहनत करो। इन्होंने लड़की गाइडलाइन भी हम लोग किए थे, हम भी चूँकि BPSC में परीक्षा देते, इंटरव्यू वगैरह से छट गए हैं कि बच्ची को कहते रहे कि अच्छा से मन लगा के पढ़ो, भगवान रास्ता खुद निकाल देंगे। तो बच्ची लोग भी मेहनत काफ़ी की, हम लोग शादी उदी के बारे में नहीं चिंतित रहते थे, हम सोचते थे अपनी पहले पढ़ाई करो, जो जरूरत पड़ेगा हम लोग देते थे, गाइडलाइन करते थे, फिर बच्ची ने अपनी हासिल अपनी मंजिल को प्राप्त कर ली। क्या कहेंगे, क्या सब लोग मिलजुल के उसको कॉपरेट करते रहे और हम दुनिया की बातों पे ध्यान नहीं दिए। लड़की आजकल की जैसे शादी के लिए सोचता, हम लोग शादी उदी के बारे में नहीं सोचे या टोले महल्ले में नैतिक अनैतिकता की बातें, हम लोग सब नहीं ध्यान दिए। हम लोग गाइडलाइन करते रहे कि बच्ची को मन लगा के इससे पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते चलो, मंजिल मिल जाएगी। चलिए, और यही मंजिल नहीं है, इसको DSP का बनने का ख्वाब है। वो BPSC अपना तन मन धन से मेहनत करे तो अपने आगे बढ़ते जाएगी और जिंदगी के हर क्षेत्र में वो सफलता पाएगी। को यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी बच्ची को, सरकार ने जो 21 वर्ष शादी की उम्र किया लगभग वो सही किया, और आप पढ़ाई पे ध्यान दें, पहले अपने स्वावलंबन अपने स्वावलंबी हो जाए फिर शादी कीजिए, शादी तो करना ही करना है। इसके लिए कहते हैं समाज के में जितनी बच्चियाँ पढ़े उसके लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गई है, चर्चा का विषय ये बन गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि सब लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े को मिल रहा है ये बहुत ताकि भतीजी। हाँ, हमको लग रहा था कि आगे कुछ मंजिल पाने के लिए वो बहुत मेहनत काफ़ी मेहनत कर रही थी और नहीं आया था, मन में यही आता रहा कि जितना जल्दी हो अपना कुछ मुकाम हासिल कर ले पढ़ लिख के।